हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत और मैं लेकर के आया हूँ सबसे अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट में आप देखे होंगे कि आपका हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में स्क्वायर रूट से क्वेश्चन आते हैं। सिंपली आपका स्क्वायर रूट का एक नंबर दे दिया रहता है और आपको बोला जाता है कि वो स्क्वायर रूट का नंबर क्या है। तो आप क्या करते हैं, आप सीधा क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर देखते हैं, प्राइम फैक्टर बनाना शुरू कर देते हैं, या आप क्या करते हैं, या आप लॉन्ग डिविजन मेथड यूज़ करते हैं जिसमें क्या होता है, क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होता है और एक क्वेश्चन बनाने के चक्कर में क्या करते हैं, दो क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो उसको ना देखते हुए आज हम ट्रिक पर बनाने की कोशिश करेंगे, उसका ट्रिक क्या कहता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए, ये क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले 1 to 10 का आप स्क्वायर नंबर याद कर लीजिएगा। 1 to 10 का क्या करना है, स्क्वायर नंबर याद करना है। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4। 3 का स्क्वायर करेंगे 9। 4 का स्क्वायर करेंगे 16। 5 का स्क्वायर करेंगे 5। इस प्रकार से 10 तक जाएंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ स्क्वायर नंबर याद करने के बाद क्या है कि आपको यूनिट प्लेस सबका याद रखना है। क्या सबका यूनिट प्लेस याद रखना है कि जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 1। 2 का स्क्वायर करें तो यूनिट प्लेस क्या होगा, 4। 3 का स्क्वायर करें तो यूनिट प्लेस क्या होगा, 9। 4 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस क्या होगा, 6। यानी आपको यूनिट प्लेस से मतलब है। ठीक है, अब यूनिट प्लेस में क्या है कि आप देखेंगे कि आपको निकालना है स्क्वायर रूट। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास 6 दिया हुआ है। अब 6 जो है किसके यूनिट प्लेस में आता है, तो 6 देख रहे हैं, एक यूनिट प्लेस यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है एक यूनिट प्लेस ये। तो इन दोनों का इस यूनिट प्लेस जो है, यहां भी 6 है और यहां भी 6 है, तो इसका स्क्वायर नंबर लीजिएगा। इसका क्या लीजिएगा, स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर यहां क्या है, स्क्वायर नंबर यहां पर 4 है और इसका स्क्वायर नंबर क्या है, यहां स्क्वायर नंबर 6 है। तो आप लिख लीजिए स्क्वायर नंबर 4 और 6। तो यहां लिख लीजिए 4 और यहां लिख लीजिए 6। ठीक है, अब ये आपका आ गया यूनिट प्लेस। ये क्या आ गया आपका, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस क्या हो गया, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। ठीक है, अब या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। अब उसके बाद क्या करिएगा, इस नंबर को आप क्या करिए, हटा दीजिएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस का काम हो चुका है। अब इसके सेकंड वाले प्लेस को क्या करिएगा, कट कर दीजिएगा। उसके बाद इस प्लेस को देखिएगा, इस प्लेस में कितना है आपके पास, 5 है। अब इस 5 को देखिएगा कि किसके स्क्वायर करने पर नियरेस्ट वैल्यू इसका आता है। तो क्या देखेंगे, 5 जो देखेंगे किसके स्क्वायर करने पर नियरेस्ट प्लेस पर ही आता है। तो देखते हैं, यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। तो 9 तो होगा नहीं, क्योंकि 9 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो आपका कौन सा होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो क्या आ जाएगा, 2। यानी स्क्वायर वाला नंबर लिखेंगे तो स्क्वायर नंबर कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जितना नंबर आप यहां लिखते हैं, जितना नंबर आप यहां लिखते हैं उसको आप क्या करिएगा, इस प्रकार से लिखिएगा और इससे 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यानी इस नंबर पे आपको क्या करना है, 1 ऐड करना है। इस नंबर पे क्या करना है, 1 ऐड करना है, और 1 ऐड करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ लिखना है। तो जैसे 2 में से 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी आपके पास आ जाएगा 3। अब 2 3 जा हो जाएगा आपके पास कितना, 6। ठीक है, अब ये देखेंगे कि ये 6 जो आया, जो वैल्यू आया, इससे ये छोटा है या बड़ा है। यदि ये छोटा है ये वाले नंबर से, यदि ये छोटा है तो छोटा वाला जो नंबर है वो इसका आंसर हो जाएगा। यदि इससे ये बड़ा है तो बड़ा वाला जो डिजिट है वो यूनिट प्लेस में होगा और वही उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया मैटर, नहीं समझ में आया दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस क्या दिया हुआ है, 4। तो आप उठिए, यहां पर देखिए 4 किसके किसके पे आता है, 4 आता है एक 2 पर, 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, और 4 कहां आता है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। तो आप यहां पर एक 8 आ रहा है और एक आ रहा है 2, यानी यूनिट प्लेस एक यहां 4 आ रहा है और एक यहां 4 आ रहा है। तो इसका यूनिट प्लेस कितना, इसका स्क्वायर प्लेस कितना है, 2 है, और इसका स्क्वायर प्लेस कितना, 8 है। तो 2 और 8 यहां लिखेंगे, 2 और 8 लिखेंगे। ठीक है, अब 2 और 8 लिखने के बाद यानी यूनिट प्लेस का काम खत्म हो गया, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ठीक है ना, यूनिट प्लेस का काम खत्म हो गया, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब क्या करेंगे, इसे जस्ट बगल वाले को क्या करेंगे, कट कर देंगे, यानी इसका कोई काम नहीं है। अब इसका देखेंगे ये किसके प्लेस पे नियरेस्ट में आएगा, ये किसके प्लेस के नियरेस्ट में आएगा। तो यहां पर देख रहे हैं हमारा 11 के प्लेस पे ये क्या हो रहा है, नियरेस्ट पे आएगा। क्यों, क्योंकि 11 का स्क्वायर करेंगे, जैसे 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो
144 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करिएगा, ये 11 का आपका स्क्वायर के नियरेस्ट प्लेस में आएगा, तो 11 के स्क्वायर के नियरेस्ट प्लेस में आएगा। अब क्या बोले थे, 11 से जस्ट एक नंबर ऐड करके और यहां मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा। तो 11 से क्या करेंगे, जस्ट एक नंबर ऐड करेंगे, ठीक है, एक नंबर ऐड करेंगे, तो 11 से 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 को 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं 132 से ये वाला नंबर, ये जो नंबर है, ये नंबर, ये 125, इससे ये छोटा है या बड़ा है, तो इससे देख रहे हैं 132 है, ये 125 है, तो इससे ये छोटा है, तो जब छोटा है तो ये छोटा वाला इसका आंसर हो जाएगा, यूनिट प्लेस में ये वाला आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन दिए हुए हैं, उस क्वेश्चन पे हम लोग समझ जाएंगे। चलिए ठीक है, यहां पर देखते हैं क्या है यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस आपके पास 4 है, सेकंड वाले प्लेस को कट करिए। यूनिट प्लेस 4 है तो 4 देखेंगे किसके प्लेस में आता है, एक इसके प्लेस में आता है और एक इसके प्लेस में आता है। तो 4 का जो नंबर है वो कितना है, स्क्वायर नंबर 2 है, और इसका स्क्वायर नंबर कितना, 8 है। तो यहां या तो 2 होगा या तो 8 होगा, तो यहां लिखिए या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब यूनिट प्लेस का काम खत्म हो गया, या तो 2 होगा यूनिट प्लेस पे या तो 8 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस नंबर को कट कर देंगे, सेकंड नंबर को कट करेंगे, उसके बाद इस नंबर को देखेंगे कि किसके नियरेस्ट प्लेस में आएगा, ये किसके नियरेस्ट प्लेस में आएगा। तो यहां पर देख रहे हैं 8 8 64 हो जाएगा और 7 7 49 हो जाएगा, तो यानी कि 7 होगा, 7 नियरेस्ट प्लेस में आ रहा है, तो यहां लिख लेंगे 7। अब ये जो 7 लिखे, क्या बोले थे, इसको इस 7 को क्या करेंगे, एक ऐड करके और मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 ऐड करेंगे कितना जाएगा, 8, तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 56। अब यदि ये 56 हो जा रहा है, यदि ये 56 हो जा रहा है, तो देखेंगे 60 से ये ग्रेटर है या स्मॉलर है, तो यानी कि ये जो है 56 जो है, ये जो है 56 से ये वाला नंबर ग्रेटर है या स्मॉलर है। तो 50 से जाहिर से देख रहे कि 60 ग्रेटर है, यदि ग्रेटर है तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं, यहां पर क्या है आपका 6 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब 6 दिया हुआ है तो यहां पर क्या करेंगे, इसका यूनिट प्लेस को देखेंगे, यूनिट प्लेस किसके नंबर पे आ रहा है, ये यूनिट प्लेस को देखेंगे, सेकंड नंबर को कट करेंगे। तो यूनिट प्लेस 6 जो है वो किसके प्लेस में आ रहा है, तो 6 देख रहे हैं, एक यहां पर 6 आ रहा है और एक यहां पर 6 आ रहा है, तो एक 6 यहां आ रहा है, एक 6 यहां आ रहा है, तो 6 का क्या है, यहां पर 4 है और ये 6 का यहां पर क्या है, 6 है, तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा, यानी यूनिट प्लेस का काम खत्म। यूनिट प्लेस में क्या होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा, क्लियर। अब इस नंबर को कट कर दिए और ये दो नंबर देखेंगे, तो यहां पर क्या है कि किसके नियरेस्ट प्लेस में ये वाला वैल्यू आएगा। तो हम देख रहे हैं कि 8 को करेंगे तो 64 और 9 को करेंगे तो 81 हो जाएगा, तो ये क्या है, 73 है, तो यानी कि 64 इसका नियरेस्ट प्लेस होगा, तो किसका आ गया, 8, तो इसका आ गया 8, ठीक है। अब क्या बोले थे, अब बोले थे इससे एक ऐड करके मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो कितना ऐड करना है, 1, तो जब 1 ऐड करेंगे तो 8 में से 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा, 9। अब 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72, ठीक है। अब देखेंगे कि 72 से ये ग्रेटर है या स्मॉलर है, तो 72 से क्या देख रहे हैं, 73 जो है वो ग्रेटर है। जब ग्रेटर है तो ग्रेटर जो होगा ये नंबर 6, यही आपका यूनिट प्लेस हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर, समझ आ रहा बात। चलिए, यदि नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, क्वेश्चन और भी बचे हुए हैं, इसमें बिल्कुल आपको समझ में आ जाने वाला है। चलिए, आपको क्या करना है, ये नंबर यूनिट प्लेस देखना है कि किसके स्क्वायर वैल्यू में आता है, दूसरा इस नंबर को कट करना है, क्लियर। 1 किसके स्क्वायर प्लेस में आता है, तो देख रहे हैं एक यहां पर है, 1 का स्क्वायर प्लेस में करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 1 होगा। फिर यहां पर देख रहे हैं 9 का, तो 9 का स्क्वायर प्लेस कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, तो यानी कि या तो 9 होगा या तो 1 होगा, यानी यूनिट प्लेस का काम खत्म, या तो 1 होगा या तो 9 होगा, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। अब यूनिट प्लेस का काम खत्म हो गया, अब क्या करेंगे, सेकंड नंबर वाले को कट करेंगे और इस नंबर को देखेंगे कि किसके नियरेस्ट प्लेस में ये वैल्यू आ रहा है। तो हम देख रहे हैं 7 7 जा कितना होता है, 49 होता है, तो यहां तो 47 है, तो ये वाला आएगा नहीं। 6 का करेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 36 हो जाएगा, तो यहां पर इसका वैल्यू हो जाएगा 6।
अब क्या बोले थे, इसमें एक ऐड करके, इसमें एक ऐड करके यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक वन ऐड कर दिए, वन ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा सेवन, तो सेवन को सिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 42। अब इस 42 से ये 47 ग्रेटर है या स्मॉलर, तो हम देख रहे हैं 42 से 47 ग्रेटर है, यानी ये वाला ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, तो ग्रेटर वाला जो वैल्यू है वही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका है कि यहां पर बोल रहा है, आपका क्वेश्चन क्या है कि आपको बोल रहा है रूट अंडर निकालना है 6889 का, तो आपको क्या करना है, यहां जो 9 है क्या करना है, तो 9 जो है यूनिट प्लेस देखेंगे, तो यूनिट प्लेस ये जो 9 है किसके यूनिट प्लेस में आ रहा है, तो हम देख रहे हैं 7 के यूनिट प्लेस में एक 9 आ रहा है और 3 के यूनिट प्लेस में 9 आ रहा है, तो यानी यहां 9 आ रहा है और यहां 9 आ रहा है, तो इसका यूनिट प्लेस कितना है 3 है और इसका यूनिट प्लेस कितना है 7 है, तो यहां लिखिए, यहां लिखिए 3 और यहां लिखिए 7, या तो 3 होगा या तो 7 होगा, यूनिट प्लेस का काम खत्म। सेकंड वाले नंबर को क्या करिए, कट करिए। अब इस नंबर को देखिए कि किसके नियरेस्ट प्लेस में आ रहा है, तो हम देख रहे हैं 7 जब 49 होता है, 8 जब 64 होता है, और 99 जब 81 होता है, यानी यही हो गया 64 वाला हो गया, यानी 64 वाला इसका नियरेस्ट प्लेस है, तो इसका वैल्यू कितना है 8, तो यहां लिखिए 8। क्लियर, अब 8 को 1 से ऐड करेंगे, 8 को क्या करेंगे 1 से ऐड करेंगे, 8 को 1 से ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 9, और 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 72। हम क्या देख रहे हैं, 72 से 68 क्या है, छोटा है, तो जब छोटा है तो छोटा जो डिजिट है ये वाला, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ग्रो अप करने में मदद करें। धन्यवाद।